कमाल है यार, ऐसा लग रहा है कि इस रोड पे वी आर इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे वी आर ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे कार्स आ रही हैं। दिस इज सो कूल, दिस इज सो कूल यार। ये सिर्फ इसी रोड पे होता है ना? इसी रोड पे होता है थोड़ी सी देर के लिए। हाँ, थोड़ी सी देर के लिए, एंड आफ्टर दिस हम राइट लेन में वापस चले जाएंगे, तो वापस ऐसा लगेगा कि वी आर इन US, मतलब रोड सिस्टम। तो एनीवेज, तो आज हम जा रहे हैं टू विजिट वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हाउस। फाइनली रीच वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हाउस। तो काफी लोग पूछ रहे थे कि अगर आपको US में घर खरीदना है, क्योंकि अभी इस टाइम हाउसिंग मार्केट बूम पे है, प्राइसेस भी ज़्यादा है पर इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम है। तो जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स आजकल पड़ रहे हैं 2-3%, तो इसका फ़ायदा उठा के अगर आप अभी घर खरीदते हो एट लो इंटरेस्ट एंड इसे बिजनेस पे कन्वर्ट करते हो, लेट्स से अगर आपने 2 फ्लोर घर खरीदा है, एक फ्लोर अपने लिए एक फ्लोर रेंट पे दे दिया, तो इसी थ्रू अगर आप जो आपको रेंट मिलेगा अपना मॉर्गेज पे कर पाओ, मॉर्गेज इज बेसिकली जो लोन पेमेंट होती है, तो इससे आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हो कि नहीं, आप एयरबीएनबी या फिर रेंटल सैलरी या रेंटल इनकम क्रिएट कर सकते कि नहीं, एंड दैट ऑल्सो ऑन स्टूडेंट वीज़ा या फिर कह लो H1B वीज़ा। सो वो सारे क्वेश्चन विल गेट देम आंसर्ड थ्रू माई फ्रेंड एंड लेट्स गो। So let's start with the tour. First of all, can you please introduce yourself? Hey guys, मेरा नाम प्रशांक है और मैं यहाँ पे 2014 से हूँ। यहाँ पे मैं मास्टर्स करने आया था यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में, और यहाँ 2016 में अटलांटा से हूँ। ये मेरा घर है, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, सो वेलकम इन माय हाउस। ओह, थैंक यू। सो बाय द वे, लाइक अभी करंटली आप H1B वीज़ा पे हो, राइट? जी। ओके, ऑसम। सो स्टार्टिंग विद द टूर, सो लाइक यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर यू लाइक। सो बेसिकली वो एंट्रेंस था, यहाँ से एंट्री होती है, उसके बाद यहाँ पे किचन है, ये मेरे अप्लायंसेस हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, फ्रिज, फिर So, जब आप घर खरीदते हो फ्रिज तो इंक्लूडेड होता है ना, वॉशर, ड्रायर, फ्रिज, व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स यू गेट व्हेन यू बाय अ हाउस? हाँ, सो कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स में स्टव इंक्लूडेड रहता है, माइक्रोवेव इंक्लूडेड रहता है, डिश वॉशर इंक्लूडेड रहता है, फ्रिज कुछ घरों में इंक्लूडेड रहता है और कुछ घरों में नहीं रहता है, जरूरी नहीं है फ्रिज इंक्लूडेड रहना। So, जब अगर आप बेचोगे तो इट्स अप टू यू टू इंक्लूड अ फिश, इंक्लूड अ फ्रिज और नॉट? या इट्स अप टू मी। सो मैं चूज कर सकता हूँ कि मुझे फ्रिज इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, उस हिसाब से प्राइसेस मैनेज हो सकती हैं घर की। Awesome. Okay. So, let's move on. Yeah, so basically, guys, ये मेरा लिविंग रूम है, यहाँ पे टीवी। Nice. तो उसके बाद ये डाइनिंग एरिया, वो मेरा बार है, थोड़ा म्यूजिक सेक्शन वहाँ पे। फिर पीछे आएंगे तो यहाँ पे पार्टी है। Nice. क्या बात है, बारिश होने वाली है, मौसम बहुत अच्छा। हाँ, बारिश चली रही है। तो ये नॉइजी नहीं हो जाता सामने हाईवे आपका, राइट? 85 है घर पे, आइसोलेशन बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ के घर में एक और बात अच्छी है कि इंसुलेशन और आइसोलेशन बहुत अच्छा है, तो विंटर्स वगैरह में जैसे बाहर अगर ठंड भी बहुत 0 degree है तो अंदर मेंटेन रहता है टेम्परेचर। यहाँ पे खरगोश और सांप देखे हम। सीरियसली? कभी कभी देखते हैं, खरगोश तो देखते रहते हैं यहाँ पे, बाकी एक आध बार मैंने सांप भी देखा है। Oh my God, डर नहीं लगा? मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं, उसमें डर नहीं। MSCT के हॉस्टल में इतने सांप होते थे। एंड कोइंसिडेंस कि दोनों NIT भोपाल से हैं। कॉलेज फ्रेंड्स हैं। कोइंसिडेंस क्या है उसमें, मतलब कोइंसिडेंट के कोइंसिडेंस ये है कि हम दोनों अटलांटा में मिले। हां, एग्जैक्टली। ओके, वी मिस द गैराज। सो गाइस, या वी फॉरगॉट वन थिंग, वी गोना शो द गैराज एज़ वेल। सो कुछ घरों में यहां पे गैराज इंक्लूडेड रहता है, कुछ घरों में नहीं रहता है। सो ये मेरा गैराज है, ये मेरी गाड़ी, और मैं बाइक भी करता हूं, तो ये मेरी बाइक है। नाइस, मैं भी करता हूं। मतलब ये आपने बाइक कितने की ली? लाइक ली थी $500 की। आई मीन, नाइस, मैंने 150 की ली, मतलब ये माउंटेन बाइक है। So it's different because मैं ट्रेल बाइकिंग जाता हूँ, तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव रहती है। ओके, लेट्स गो अपस्टेयर्स। सो बेडरूम मेरे ख्याल से सारे अपस्टेयर्स है, राइट? हाँ, नीचे पूरा मेरा जो घर का सेटअप है, नीचे इसमें लिविंग रूम है, डाइनिंग है और पैटियो वगैरह है, और बेडरूम वगैरह के लिए ऊपर जाना है। तो बाथरूम ये आई गेस वन बाथरूम, लाइक दिस इज लाइक हाफ बाथरूम, राइट? दिस इज अ हाफ बाथरूम। तो यहाँ पे नहाने का नहीं है, दिस इज जस्ट योर टॉयलेट। ओके, दिखाई देता हूँ। या हाफ बाथरूम। ओके, फिर ऊपर सारे बेडरूम्स हैं,
सो ये जो है घर, ये 3 बेडरूम हाउस है, 3 बेडरूम 2.5। सो ओके ऊपर 3 बेडरूम है, ये मेरा बेडरूम है, दिस इज माई मास्टर बेडरूम। सो एज यू गाइस कैन सी मेरा बेड, माई टीवी ओवर है, माई ड्रेसर। तो ये कितने इंच का टीवी? आई थिंक 40, 45, 43, 43, awesome. So this is king size bed, right? This is a queen. Queen size. So there are, मैंने एक तो confusion बहुत होती है, कितने तरह के beds आपको सारी information पता है? Queen. So basically there are twin, full, then queen and then king. So there are 4 types of bed. Oh, this is queen. This is a queen bed. Awesome. Yeah, मेरे पास भी queen है, I think. So this is like attached bathroom? नहीं. No, this is my closet. Closet. Okay. वहाँ पे closet है और attached bathroom यहाँ पे. Okay. So, this is the attached bathroom. I have a tub and a jacuzzi. And what about the pricing? मैं pricing पूछना भूल गया। जब आपने घर खरीदा था, तब कितनी price थी and बेचने time? घर खरीदा था तो price थी करीब 170-180 पे उस time पे। Okay. And it's 3 years old. 2018 में लिया था मैंने। और अभी घर की prices 30% jump हो चुकी हैं just because of the housing market. You know, it's been very strong. So घर की प्राइसेस काफी बढ़ गई हैं। सो ये मेरा सेकंड बेडरूम है, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ गेस्ट बेडरूम। यहाँ पे पूरा एक बेड आ जाता है, दिस इज अ क्वीन बेड, दिस इज आल्सो क्वीन, दिस इज आल्सो क्वीन। एंड बाय द वे ये बेड अब मेरा होने वाला है, वी जस्ट बॉट इट फ्रॉम हियर फ्रॉम हिम। तो अब मतलब ये उन्होंने शायद $300-$400 का खरीदा था, पर वी गॉट इट फॉर $200, थैंक यू सो मच। नो वरीज। एंड दिस इज आई थिंक क्लोजेट, एडिशनल क्लोजेट, सो बेसिकली दिस इज अनदर बेडरूम विद इट्स ओन यू नो क्लोजेट एंड एवरीथिंग। गॉट इट। अब नेक्स्ट बेडरूम, अनदर थर्ड बेडरूम व्हिच आई हैव मेड लाइक दिस इज माय ऑफिस बेसिकली, सो आई वर्क आउट ऑफ हियर एंड देन देयर इज अनदर क्लोजेट ओवर हियर, सो दिस इज एक ही जैसा मतलब एक और बेडरूम है। ओके नाइस। तो मतलब यहां पे आप ट्विन साइज बेड रख सकते हो इफ यू वांट टू मेक इट, ट्विन क्वीन तक आ जाएगा बिकॉज़ इसका जो साइज है वो सेम साइज है जो नेक्स्ट बेडरूम था। ओह साइज सेम है, या साइज सेम, गॉट इट, ऑसम। एंड देन देयर मस्ट बी कॉमन बाथरूम व्हिच इज फुल, दिस इज अ कॉमन बाथरूम, सो this is a full fledged bathroom over here. Awesome. Yeah. And that's it guys. So this is my home sweet home. Yeah, it is beautiful. So let's sit together and then we can talk about ki apne kaise kharida and what about the profit. Sure. So finally first question aapse puchna chahunga ki as a business consider karo ki ghar kharido aur becho to usme kitna profit generally hota hai? मतलब आउट आफ्टर 5 years और आपको कितना हुआ इफ यू वुड लाइक टू शेयर? ठीक है, श्योर। आई मीन हाँ, तो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है ये चीज़, क्योंकि उस लोकेशन जब घर खरीद रहे हो तो वो लोकेशन देखो कि कहाँ पे ले रहे हो। सो अगर ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया में घर ले रहे हो तो फिर 5 साल में, क्योंकि इट्स ऑलरेडी डेवलप्ड सो इट्स नॉट गोना डेवलप दैट मच, तो जो प्रॉफिट्स होंगे वो उतने नहीं होंगे। बट ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया में लोगे तो वहाँ पे रेंट करने के चांसेस ईजी होंगे, क्योंकि सब लोग डेवलप्ड एरिया में रहना चाहते हैं। बट इफ़ यू बाय अ हाउस इन सॉर्ट ऑफ अ डेवलपिंग एरिया तो उसमें हाउसेस सस्ते मिलेंगे, रेंटर्स थोड़े मुश्किल होंगे बट फिर भी मिल जाएंगे। एंड बट उसमें सबसे बड़ा फायदा होता है कि प्रॉपर्टी अप्रेज ज़्यादा होती है, क्योंकि 5 साल में जो डेवलपमेंट होगा उसमें प्रॉपर्टी परसेंटेज वाइज देखोगे तो वो ज़्यादा अप्रेज होगी एज कम्पेयर टू अगर डेवलप्ड एरिया में ले रहे हो तो। ओके, सो जैसे कि ऑस्टिन में देखो, लाइक ऑस्टिन टेक्सास हैज़ बिकम सो फेमस फॉर द प्रॉफिट पीपल हैव मेड, क्योंकि मैंने देखा कि पीपल हैव मेड अराउंड $100,000-$200,000 प्रॉफिट ऑन अ प्रॉपर्टी व्हिच इज 500K। यहाँ पे इतना नहीं हुआ, राइट? अटलांटा इज एक्चुअली बूमिंग एज वेल, लाइक अटलांटा इज नॉट बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ, या ऑस्टिन इज ऑब्वियसली अहेड, ऑस्टिन काफी आगे है, बट अटलांटा काफी कैचअप कर रहा है। अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट सेड दैट माइक्रोसॉफ्ट इज गोना कम टू अटलांटा, दे ओपन्ड द 16-acre कैंपस, सो देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स, गूगल इज हियर, ऑल द बिग कंपनीज आर मूविंग। मिड टाउन में देखो तो पूरे टाइम कंस्ट्रक्शन होता रहता है, सो लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग बिकॉज यू नो कैलिफोर्निया सिलिकन वैली हैज बिकम सो सैचुरेटेड दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग टू यू नो डिफरेंट एवेन्यूज। सो अटलांटा में भी प्राइसेस बहुत ज्यादा जा रही हैं। सो रिसेंटली बिकॉज ऑफ हाउसिंग बूम, हाउस मार्केट राइट नाउ, हाउसेज आर गोइंग ऑफ द मार्केट इन 2 days, बहुत जल्दी जल्दी बिक रहे हैं। तो लोग, पीपल आर पेइंग लाइक $20,000-$30,000 ओवर द आस्किंग प्राइस। सो अटलांटा इज an amazing place right now to buy real estate and invest in real estate market. Awesome. So ab start karte hain student ke liye. Would you recommend a student on F1 visa, chahe wo OPT pe ho, jab jaise abhi job lagi hai, abhi paisa aana shuru kiya hai, to aur like ya fir job lagi bhi na ho to ghar khareedna chahiye, would you recommend or not? Main OPT pe recommend nahi karunga personally, because hota kya hai ki agar
फॉर एग्जाम्पल H1B लॉटरी में सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर आपको घर बेच के वापस इंडिया जाना पड़ रहा है, तो उसमें जो आपके कैपिटल गेन्स होंगे उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और वो काफ़ी हेफ्टी टैक्स होता है एज अ नॉन रेसिडेंट एलियन फॉर टैक्स पर्पसेस. बट आपके पास जब एक बार H1B लग जाता है देन यू बिकम रेसिडेंट एलियन जस्ट फॉर द टैक्स पर्पसेस. सो एट दैट पॉइंट इफ यू एक्चुअली सेल योर हाउस देन यू वोंट हैव टू पे टैक्सेस ऑन दोज कैपिटल गेन्स. आई सी. या That is interesting. पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन एड ऑन करना चाहूंगा. मैं F1 वीजा पे हूँ बट आई एम स्टिल टैक्स रेजिडेंट क्योंकि मुझे 5 साल हो गए हैं. तो एक और कैच है, अगर आप 5 साल स्पेंड कर लेते हो तो भी आप रेजिडेंट बन जाते हो. तो अगर इमेजिन करो मैंने कल पिछले साल घर खरीदा होता, आई वाज ऑन F1 वीजा, अभी मैं रेजिडेंट हूँ 5 साल बाद, तो मुझे टैक्स नहीं पड़ता ना. I'm not sure about that. उसका थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा बिकॉज देर इज अनदर थिंग कॉल्ड सब्सटैंशियल प्रेजेंस टेस्ट. तो वो सब्सटैंशियल प्रेजेंस टेस्ट IRS की वेबसाइट पर जाके आप कैलकुलेट कर सकते हो. उसमें बताते हैं कि पिछले 3 साल में आपने यूनाइटेड स्टेट्स में इतने डेज काटे हों एज अ रेजिडेंट एलियन, दैट्स वेन यू बिकम यू नो अ रेजिडेंट फॉर द टैक्स पर्पसेस. एंड वॉट अबाउट फॉर H1B होल्डर्स, आप रिकमेंड करोगे? श्योर. आई मीन H1B होल्डर्स के लिए, आई मीन एज सून एज आई गॉट माई H1B इन द नेक्स्ट थिंग आई डिड आई बॉट अ हाउस बिकॉज माई डैड यू नो ही इज ऑल्सो इन टू रियल एस्टेट. और उनका पहला सजेशन था कि जैसे तुम्हारे पास इतनी सेविंग्स हो जाएं कि तुम रेंट कर खरीद सको घर, सो खरीदो. बिकॉज रेंटिंग व्हाट यू डूइंग इज थ्रोइंग अवे मनी, दो दैट मनी यू नेवर गोना सी बैक, राइट? बट विद लाइक बाइंग अ हाउस यूर व्हेन यू आर पेइंग योर मॉर्गेज, तो आपका कुछ पोर्शन प्रिंसिपल की तरफ जा रहा है और कुछ इंटरेस्ट की तरफ जा रहा है. और जो प्रिंसिपल की तरफ जा रहा है वो आप अपनी इक्विटी बिल्ड कर रहे हो बिकॉज जब आप घर बेचोगे तो वो पैसा आपको वापस मिलेगा. Wow. Right? So, for example, मैं इस घर का एग्जाम्पल देता हूँ. मैंने जब खरीदा था, अभी जैसे मैं ये घर बेचने की तैयारी कर रहा हूँ, सो द अमाउंट ऑफ मनी आई एम गोना गेट बैक, तो मैंने 3 साल में जितना पैसा इसमें घर में दिया मॉर्गेज में, मुझे पूरा का पूरा वो वापस मिल रहा है जस्ट बिकॉज हाउस अप्रेज हुआ, साथ में मैं प्रिंसिपल मैं इक्विटी की तरफ बढ़ रहा था, तो मुझे जितना पैसा भी मिलेगा, तो वो 3 साल में मैंने जितना पैसा खर्चा किया मुझे पूरा का पूरा वापस मिल रहा है. तो बेसिकली मैं 3 साल में इस घर में फ्री में रहा हूँ एक तरीके से. क्या बात है, दैट्स एक्चुअली प्रॉफिट एज वेल आपने बेचने के बाद. एग्जैक्टली ऑसम. एंड क्योंकि इन्फ्लेशन को अगर आप काउंट करते जाओ, अब रेंट भी पे कर रहे हो, आपको कोई एसेट भी नहीं मिल रहा, एंड इन्फ्लेशन का यू हैविंग अ डबल काइंड ऑफ लॉस. या यू आर बीटिंग दैट बाय बाइंग अ हाउस. एंड व्हाट अबाउट रेंटिंग, H1B पे लीगल है अगर आप एक दो कमरे रेंट कर दो स्टूडेंट्स को, और Airbnb भी लीगल है? श्योर, मैंने किया था. सो जब व्हेन आई मूव्ड इन दिस हाउस, मैंने खरीदा था अपना घर, तो मैं अपना एक मेरा रूममेट था, मेरी कंपनी में था, और मैं उसको एक रूम रेंट करता था, एंड दैट इज कम्प्लीटली लीगल, नो प्रॉब्लम्स व्हाटसोएवर. क्या बात है. एंड उससे आप अपना मॉर्गेज पे कर सकते हैं. हाँ, उससे आप मॉर्गेज में हेल्प हो जाएगी, एडिशनल इनकम हो जाएगी, बेसिकली इट्स नाइस. एंड देन आल्सो एक रूममेट भी हो जाएगा, यू नो, सो समबडी टू स्पेंड टाइम विद. यप. एंड व्हाट अबाउट इंटरेस्ट रेट्स, आजकल कितने चल रहे हैं? इंटरेस्ट रेट्स आजकल खासकर काफी कम चल रहे हैं बिकॉज ऑफ पैंडेमिक. फेडरल यू नो गवर्नमेंट हैव रिड्यूस्ड द इंटरेस्ट रेट्स तो 30 ईयर पे, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर क्रेडिट स्कोर एंड क्रेडिट हिस्ट्री, बट आजकल 2.5% यू नो विद 30 ईयर लोन, दैट्स अमेजिंग. एंड देन और 15 ईयर लोगे तो इट गोज टू 1.7-1.8%. सो अगर कंपेयर करो 2-3 साल पहले से, तो 30 ईयर्स का उस टाइम पे 4% था और अभी 2.5%. सो 1.5% काफ़ी मैटर करता है. येस, दैट इज़ रियली गुड. क्योंकि अगर आप देखो, अगर अपना जो सेम पैसा, अगर आप जैसे आपने जॉब करके $200,000 बचा लिए, सो 2 लाख का यहाँ पे घर खरीदने से बेटर आप लोन पे खरीदो, दैट इज बेटर. क्योंकि अगर आप सेम पैसा S&P 500 में इन्वेस्ट कर दो, यू विल गेट 7% एनुअल रिटर्न. सो यू आर एक्चुअली मेकिंग फ्री मनी बाय बाइंग हाउस ऑन मॉर्गेज. एग्जैक्टली. और फिर घर खरीदना मॉर्गेज पे जरूरी भी है क्योंकि अमेरिका में सिस्टम ये है कि यू हैव टू शो दैट यू आर अ गुड बोरोअर. तो जैसे हम क्रेडिट कार्ड्स ओपन करते हैं या कार का लोन, सो उससे पता चलता है कि हम एक अच्छे बोरोअर हैं. जब टाइम पे पैसा वापस बैंक को देते हैं तो उससे हमारी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है. तो फ्यूचर में हमको अगर घर लेना है या कोई भी बड़ा लोन लेना है तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट्स हमको काफी बेटर मिलेंगे. ऑसम. नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट आर द स्टेप्स यू पर्सनली टुक, जैसे पहले लोन अप्लाई किया, पहले अप्रूव हुआ कि पहले घर खरीदा फिर लोन हुआ, सो व्हाट वाज द स्टेप्स टू बाय दिस हाउस? या सो स्टेप्स सबसे पहले ये रहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट लाइक अ मॉर्गेज ब्रोकर. ठीक है, सो मॉर्गेज ब्रोकर हेल्प्स यू एनालाइज के वो पहले पूरी जानकारी लेंगे कि कितने एसेट्स हैं आपके पास, कितने सेविंग्स हैं. उस बेसिस पे दे विल टेल यू कि आप इतने लोन के लिए अप्रूव हो सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे से कि बेस्ड ऑन योर सेविंग्स एंड एवरीथिंग आप $300,000 के घर के लिए
लोन के लिए अप्रूव हो सकते हो. सो वो प्री अप्रूवल लेटर मिलता है, तो आप फिर बोलते हो बैंक को, वो कॉन्टैक्ट करते हैं लेंडर्स से, एंड देन यू गेट अ प्री अप्रूवल लेटर. एंड देन वंस यू हैव द प्री अप्रूवल लेटर, देन यू कॉन्टैक्ट अ रियल एस्टेट एजेंट. सो रियल एस्टेट एजेंट के साथ फिर आप घर देखना स्टार्ट करते हो. सो आप 300,000 के लोन के लिए अगर क्लियर भी हो गए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उतना महंगा घर खरीदना है, है ना. आप चूज़ कर सकते हो कि नहीं, मुझे 200,000 या 250 तक का ही घर लेना है, बिकॉज यू वॉन्ट टू सेव सम ऑफ योर यू नो क्रेडिट फॉर समथिंग एल्स. और ये भी बोलूँगा कि जल्दी ही महंगे घर पे नहीं जाना चाहिए. लुक एट ऑल योर एक्सपेंसेस और फिर उस हिसाब से देखो कि आपको कितने का घर. अगर आप स्टार्ट ऑफ कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट लाइक गेट अ स्टार्टर होम, बिकॉज सिंगल हो, अगर अकेले रह रहे हो या फैमिली भी है, एक स्मॉल फैमिली, तो 3-bedroom का हाउस इज गुड इनफ, राइट. यू डोंट नीड टू बाय लाइक अ 4 or 5-bedroom हाउस अंटिल यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ फैमिली. तो वो जरूर बोलूंगा उस चीज़ पे. ऑसम. सो दैट एंड इसमें एक और कैच है कि जो जो जब आप खरीदते हो तो आपको फी देनी पड़ती है जो रियल एस्टेट की, कि सेलर को खरीदनी पड़ती है. तो हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि जब आप खरीद रहे हो तो उसमें आपको रियल एस्टेट एजेंट की कोई फीस नहीं देनी है. तो वो सेलर की तरफ से होता है, तो आपके लिए रियल एस्टेट एजेंट फ्री है. तो वेन यू आर बाइंग, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू हायर रियल एस्टेट एजेंट बिकॉज इट्स फ्री. यस. So thank you so much, Prashank. It was lovely having you. And आपकी knowledge definitely आगे students को and H1B holders को definitely बहुत help करेगी. Sure. Thank you. Thank you. So we are here at Lowe's. पता नहीं कोई restaurant कौन सा? Lowe's, right? So yeah, we are here at Lowe's क्योंकि Prashank is leaving the house. So these boxes will help in packing.